हेलो फ्रेंड्स, फीफा स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको रेलवे के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट लेनी है तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं RRB ALP 2019 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, वो क्या जाने वाली है, जो आपका मेंस एग्ज़ाम हुआ है 21, 22 और 23 में, दो दो शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है आपका। यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन का जो ख़तरा है वो लगातार बना रहेगा, क्योंकि कोई शिफ्ट आपकी टफ़ है और कोई शिफ्ट आपकी इजी भी है। ठीक है, आपको पता ही होगा जो फर्स्ट के जो मार्क्स हैं वही जो फर्स्ट के मार्क्स हैं वही पार्ट ए वाले जो काउंटिंग की जाएगी वो आपका 100 मार्क्स का था। ठीक है, सेकंड वाला तो खाली आपके लिए पासिंग मार्क्स था। ठीक है, उसमें तो आपको सिर्फ पास करना है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो इससे आने से पहले आपको पता ही होगा मैं सिर्फ मैथ और फिजिक्स को छोड़कर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे ALPG वाले हों चाहे टेक्नीशियन वाले हों, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, आपको पता ही होगा जिसका मैथ और फिजिक्स अच्छा है तो उसका तो स्कोर अच्छा होगा, तो इसलिए आपको जो बताने वाला हूँ मेंस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका जो जनरल का कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपका 60 के अराउंड में लाई करने वाला है। ठीक है, 60 किसी जोन का 61 हो सकता है, किसी जोन का 59 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये 60 प्लस ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो साथी हैं कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, कोई ITI कर रखा है, तो उनका जो आपको पता है जनरल अवेरेंस, जनरल अवेरेंस जो होता है वो एक वीक पोर्शन होता है। ठीक है, और उसके साथ ही आपको पता है उसका मैथ भी थोड़ा कुछ कुछ स्टूडेंट का अच्छा होता है लेकिन हर एक स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं होता। इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही ये कट ऑफ ऑल ओवर एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद ही मैंने निकाली है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से सुने। जनरल की जो कट ऑफ है 60 प्लस या माइनस, OBC की जो कट ऑफ है वो 55, हर जोन की बता रहा हूँ, किसी जोन में ये 55 जाएगी, किसी जोन में ये 56 जाएगी, किसी जोन में 57 जाने वाली है, लेकिन कट ऑफ कहीं ना कहीं वो 55 के अराउंड ही लाई करने वाली है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करने वाले हैं आपने SC और ST, ST SC 48 ऊपर या नीचे। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि भाई जॉइन वाइज बताओ, जॉइन वाइज ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें से कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपके इस इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है पेपर थोड़ा टफ भी है और कुछ क्वेश्चंस टफ हैं, और दूसरी बात जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर कुछ का मैथ वीक होता है तो किसी का रीजनिंग वीक होता है तो किसी का कुछ, उन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। क्योंकि मैथ वाले का फिजिक्स भी अच्छा होता है, बेसिक्स आपको पता है, ठीक, उसके बाद उसका मैथ भी अच्छा होता है, तो ये जो है ये सिर्फ आपकी ALPG और टेक्नीशियन के लिए है, मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो की शेयरिंग करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।